नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। मुख्य नगरपालिका अधिकारी के साथ अभद्रता का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। चांचौड़ा में विगत दिनों चांचौड़ा मुख्य नगरपालिका अधिकारी विनोद उन्नीतान को नगरवासियों ने समस्याओं से अवगत कराने के लिए सदर बाजार में बुलाया था, जिसमें नगरवासियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके चलते मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने किशोर सिंह राजपूत नामक व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करा दी थी। इसके बाद भी CMO विनोद उन्नीतान ने कर्मचारी को साथ लेकर SDM नीरज शर्मा को ज्ञापन दिया, जिसमें किशोर सिंह की गिरफ्तार की मांग की गई। इसके जवाब में आज चांचौड़ा के रहवासियों ने राज्यपाल महोदय के नाम पे नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को पद से शीघ्र हटाने की बात कही, क्योंकि उनका कहना है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी की वजह से ही चांचौड़ा क्षेत्र में शांति भंग हुई है। समझ से परे है कि एक तरफ तो आम जन CMO को उनकी समस्याओं से अवगत कराने के बहाने बुलाते हैं, फिर उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है, फिर कैसे CMO के कारण शांति भंग हुई। तीन से चार दिन पहले बाजार में सब लोग नल की समस्या को लेकर एकत्रित हो रहे थे, तो CMO साहब को ज्ञापन देने के लिए पुनीत सोडानी जी ने CMO साहब को बुलवाया। वहां पर किशोर सिंह जी सब्जी लेने के लिए मार्केट गए हुए थे, तो पुनीत सोडानी जी ने किशोर सिंह जी को बुलवाया और बोला कि आप भी CMO साहब से चर्चा करें नल की समस्या रोड की समस्या को लेकर। तो किशोर सिंह जी ने भी CMO साहब से चर्चा की, नॉर्मल चर्चा जो कि 100 से 125 लोग वहां पर कर रहे थे, वही नॉर्मल चर्चा उन्होंने की किशोर सिंह जी ने। लेकिन इनने सिर्फ एक व्यक्ति को ही पर्सनली टारगेट करते हुए उन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। क्या राजपूत समाज से आदरणीय CMO साहब की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या, या फिर राजपूत समाज ने इनका कुछ बिगाड़ा है? सातों समाज होते हुए भी इनने केवल राजपूत समाज पर ही मुकदमा, राजपूत समाज के व्यक्ति पर ही मुकदमा क्यों दर्ज कराया? आदरणीय CMO साहब से यह निवेदन है, ये मुकदमा जल्द से जल्द वापस लें। अगर इनने यह वापस नहीं लिया तो ये राजपूत समाज के साथ बहुत ही, मतलब क्या बताऊंगा मैं आपको, सब लोग बहुत आक्रोशित हैं यहाँ पर। आज जो आपने ज्ञापन दिया किस संदर्भ में दिया, टोटल क्या मुद्दा रहेगा आपको? मुद्दा यही कि सातों समाज के वहां पे व्यक्ति हैं, फिर एक ही व्यक्ति के ऊपर क्यों FIR दर्ज कराई गई? सातों समाज के 100 से 125 लोग वहां पर उपस्थित थे, फिर एक ही व्यक्ति को क्यों टारगेट किया गया? रेलवे के कामगारों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज से शुरू किया क्रमिक अनशन। यह अनशन 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक किया जाएगा। AIRF के आवंटन वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले 72 घंटों का क्रमिक अनशन रेलवे स्टेशन पर प्रारंभ किया गया है। अपनी मुख्य मांगों के समर्थन में, जैसे न्यू पेंशन स्कीम, निजीकरण और निगमीकरण को रोकना, न्यूनतम वेतन के तहत फिटमेंट फार्मूला लागू करना आदि है। क्या है तुम्हारी ये बैठक है, हड़ताल है क्या? हड़ताल है भाई साहब, भाई यहाँ AIRF के आह्वान पर, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर सभी जिला शाखा मुख्यालय एवं मंडलों पर 4 दिवसीय 8 से लेकर 11 तारीख तक क्रमिक अनशन किया जा रहा है, जिसमें हमारी बहुत सी मांगें हैं, जिसमें मेन मांग हमारी NPS जो कि काफ़ी लंबित है। इसको अनाकारण ही सरकार ने बहुत से मुद्दे हैं हमारे, जिनको अनाकारण ही लटका रखा है, इसका कोई निष्कर्ष पे सर पहुँचा नहीं पा रही सरकार, इसको हमें प्रतिबंधित होकर मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रशासन सभी शासकीय कार्यों में उनकी ड्यूटी लगा देता है, लेकिन मानदेय नाम मात्र का मिलता है। उनकी मांग है कि आशा कार्यकर्ताओं को 18,000 रुपए और सहयोगिनियों को 25,000 रुपए वेतन दिया जाए। तारीख से 11 तारीख
जब तक की हड़ताल है, इसलिए रखी गई है कि हमारे मानदेय फिक्स नहीं करा उन्होंने। हमारी ये मांग है कि आशाओं का 18,000 रुपये वेतन और सहयोगियों का 25,000 रुपये। हमसे काम तो वो बहुत लेते हैं लेकिन देते कुछ भी नहीं है, धूप में घुमाना ये करना, लेकिन हमारी मांग पूरी हो ही नहीं रही है। पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्षद दल पहुंचा कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने। कांग्रेस पार्षद दल का आरोप है कि नगर पालिका के द्वारा कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि जिससे पानी की समस्या उत्पन्न ना हो। कांग्रेस पार्षदों ने कलेक्टर को कुछ सुझाव भी दिए जिससे कि पानी की समस्या थोड़ी कम हो। कलेक्टर ने कांग्रेस पार्षद दल को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। गुना शहर में निरंतर बढ़ रही पानी की समस्या को लेके कांग्रेस पार्षद दल ने आज जिलाधीश महोदय से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है, उसमें कुछ सुझाव भी दिए हैं पार्षद दल ने। पार्षद दल पिछले 3 माह पूर्व भी इस भीषण संकट को देखते हुए भविष्य की नीति पानी की बने उसके लिए कांग्रेस पार्षद दल पूर्व में नगर पालिका को चेताने के लिए एक आवेदन दे चुका था जिस पर नगर पालिका द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरी पानी की व्यवस्था खनन से ट्यूबवेलों के जरिए हो रही है, हमारे पास कोई ऐसा स्टोरेज करने की कोई व्यवस्था नहीं है और प्रतिदिन एक दो ट्यूबवेल सूख रहे हैं। इसलिए कलेक्टर महोदय से ही मुलाकात करके ज्ञापन के माध्यम से उनसे अनुरोध किया है कि पानी की व्यवस्था शीघ्र कराएं। जिन इलाकों में, पिछड़े इलाकों में, शहर के बीच के जो इलाके, उनमें पानी की जो विकराल समस्या बनती जा रही है उसको दूर करने के लिए कलेक्टर साहब को कहा है, तो उन्होंने कहा है मैं CMO और अध्यक्ष को बुला के इस पर चर्चा करता हूँ। हमने कुछ सुझाव भी रखे हैं कि जो प्राइवेट ट्यूबवेल उनको एक्वायर किया जाए, पानी का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोका जाए। गाड़ी धुलाई सेंटर है जहाँ जहाँ भी CC रोडों का जो निर्माण कार्य चल रहा है, पानी एक तरफ है नहीं दूसरी तरफ निर्माण कार्य चल रहे हैं, इनको तत्काल रोका जाए। तो कलेक्टर साहब ने हमको भरोसा दिलाया कि हम शीघ्र कार्रवाई करेंगे। आज जनसुनवाई में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। यहाँ पर कलेक्टर द्वारा अपनी टेबल अलग लगाई गई जिससे कि आवेदन देने वालों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वहीं गर्मी के बावजूद इस बार जनसुनवाई में आवेदन देने वालों की भीड़ ज़्यादा थी। Yeah.
विश्व रेडक्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में रेडक्रॉस भवन में रक्तदाताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गुना कलेक्टर विजय दत्ता रहे। साथ ही यहाँ रक्तदान करने वाले लोग एवं संस्थाओं संगठनों का सम्मान किया गया। सुनवाई में उन किसानों की संख्या ज्यादा देखी गई जिनको भावांतर योजना का पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। पैसे के नाम पर पकड़ा दी गई है तो एक रसीद। इस रसीद को लेकर किसान दर दर भटक रहा है। किसी किसान को 2 माह हो चुके हैं, किसी को 4 माह तो किसी को 6 माह। ये सभी किसान आज थक हार कर जन सुनवाई में पहुँचे। फसल बेची थी पिछले 6 माह पहले, आज दिनांक तक प्राप्त राशि की नहीं मिली अभी तक, और कम से कम 3-4 बार जन सुनवाई दे चुके हम एप्लीकेशन, वो कम से कम 10-15 बार हम 181 शिकायत कर चुके हैं। अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ हमारा, तो मंडी ऑफिस में कम से कम 10-20 बार संपर्क कर चुके हैं। तो क्या चाहते हैं आप सर? हमारे साथ सर राशि प्राप्त होना चाहिए, मिलना चाहिए सर। हमारे सारे डॉक्यूमेंट जमा है सर, कोई कागज में कमी नहीं है हमारी। कहाँ शिकायत की है आपने? कलेक्टर जन सुनवाई में की है सर, और 181 की है सर CM हेल्पलाइन में सर। कोई निराकरण नहीं हुआ सर। भैया कहते हैं कि वो हो जाएगा, चल रही प्रक्रिया, जा रही है प्रक्रिया। आज दिनांक कम से कम 15 फरवरी से चालू है मेरी शिकायत दर्ज सर, आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं हुआ अभी तक सर। क्या लेके आए थे आप? काय के पैसे लेते थे? कितना टाइम हो गया? 3-4 महीने हो गए। तो क्या कह रहे हैं पैसे डालने के लिए? मंडी में जा कह रहे थे हमने डाल दिए, और बैंक में जाते हैं साहब हमारे खाते में पैसा नहीं आए। अभी अंदर कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? मंडी बारे दे मैंने। आरोन में किसानों की समस्याओं पर कवरेज करना पत्रकार को महंगा पड़ा। आरोन में पत्रकार के पास गल्ला मंडी से फोन आया कि यहाँ तुलाई के एवज में पैसा मांगा जा रहा है, जो लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं उनकी फसल नहीं ली जा रही। जब पत्रकार वहाँ पहुँचा तो उन्होंने पाया कि एक किसान काफी परेशान है और उन्हें बेवजह ही परेशान किया जा रहा है, जिसका कारण मात्र पैसा लेना था। जब पत्रकार इस पर खबर बनाने पहुंचा तो वहां पर मौजूद सेल्समैन लल्लू साहू ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया एवं गालियां भी दी, जिसकी शिकायत SDM से की जा चुकी है। वहीं लल्लू साहू लगातार पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था, जिसको कैमरे में भी कैद कर लिया गया है। वहीं पत्रकार केवल जानकारी ही मांग रहा था। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि लल्लू साहू किस अकड़ के साथ पत्रकार से बात कर रहा है। वहीं उसके हाथ से मोबाइल छुड़ाकर बाहर ले जाते हुए साफ देखा जा सकता है। अरे तो बता दो ना आप सरसों कितने? ये मत करो यार, तुम तो मैंने पूरी बात कह तुम तो बता दो, हम तो लेकर आए आलल भाई। हां बोलो सरसों, बोलो पूरी बात कह दी आपने, समझ के तुम सब बात के तुम जैसे 1030 कट्टा सरसों कितने हैं?
सरसों 309 मसूरी 1032 ये मोबाइल है यार का को मेरे सामने पकड़ रहा है तुम बोले नहीं हो नहीं यार हो रहा तू नहीं सुन रहा हूं मैं आज रिकॉर्डिंग हो रही है रिकॉर्डिंग हो रही है क्यों बात रिकॉर्डिंग वाली बात नहीं कर मैं आज जोड़ रहा हूं सरसों मसूर हां बोलो आज जोड़ रहा हूं देखो तुम तुम्हें आज जोड़ रहा हूं हाथ देखो देखो तुम नहीं सुनो आज जोड़ वाली बात नहीं है जाओ मैं ठीक है ना बोलन तो यार सुन मामले को वही बात में लग लेंगे अपन और तो सुना कितने हो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं तो अकेले तुम्हारी फूट नहीं आ रहा हूँ रोड पे चलो मैं कह रहा हूँ देखो ना तुम तो चलो आ जाओ मैं कह रहा हूँ चलो रोड पे चलो 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 नहीं नहीं देखो कोई भी सुनो शाम सुबह से अब तक दो ट्राली चुनी ऐसे तो किसान आपसे ही पैसों की मांग की गई नहीं पैसों वैसों की मांग तो नहीं है मुझे मालूम हमसे नहीं मांगे अब तक मानो छेदन हुआ जहाँ पर डर है और दो ट्राली अगर तहसीलदार साहब से ही बोल रहे हैं लेकिन इसका कोई वो है ना जो सुनवाई नहीं हो रही सुनवाई वो पैसा ले लेते ये पैसा नहीं दे वो बात नहीं कर आपसे कितने पैसों की मांग की गई वो तो 1000 दे दो भाई 1000 रुपया हम पास कर देगो कल भी आ जाए क्या तहसीलदार साहब आए थे एडीएम साहब आए थे मैं मैडम आई थी तो मैडम क्या कर गई मैडम कछू नहीं कर गई ना एडीएम साहब कर गए ना तहसीलदार साहब कर गए कछू तो पानी पानी की व्यवस्था नहीं मिल रहा गामन मर रहे हैं भूखन मर रहे हैं प्यासन मर रहे हैं कोई सुनवाई नहीं है यहाँ तो खाना खाना तो आई नहीं रोज जा रहे हैं रोज आ रहे हैं गांव से 1000 रुपया ट्रैक्टर को भाड़ो लग रहा है नहीं जब कैंटीन है वो चालू है कि बंद है वो अभी बाबा ही बंद है ना नाश्ता है ना चाय है ना छा है 1000 रुपया किराया लग रहा है रोज आज 3 तारीख से जो है पड़े हैं यहाँ पे 3 तारीख की जो है ना जो पंजीयन हुआ था वो निकल चुका है उनकी नाथ तुलाई भाई आज भी और 4 के 5 के आपको बता जितनी ट्राली जो नंबर दे रहा है वो 7000 रुपये तुलना चाहिए क्या आपसे पैसों की मांग की गई क्या आपसे पैसों की मांग की गई हाँ बिल्कुल की गई ना कितने पैसों की मांग की गई 2000 रुपये आपसे मांगे किसने तुलावटी आप जानते हो क्या नाम है उसका उसका नाम वगैरह नहीं जानते चना से ये परेशानी है कि 4 दिन लग रहे हैं तोलने में और किसान यहीं पे पड़ा है मेरा नंबर 4 तारीख को और आज 3 दिन हुआ है मतलब पूरी 3 तारीख को जहाँ आए थे आज तक मतलब क्या बता रहे हैं ये लोग बता रहे हैं कि मैसेज ज़्यादा आ जाने से ये परेशानी बढ़ी है अच्छा मैसेज कितने आया टोटल अभी तक मैसेज टोटल मतलब 4 तारीख के 40 के करीब और 5 तारीख के आकर लगभग 120 मैसेज छोड़े गए जिससे जी अव्यवस्था पूरी बनी है इस संपर्क में आपने मुंशी से बात की मुंशी से बात की कलेक्टर साहब से ही बात की थी क्या जवाब आया उन तरफ उनका जवाब यही आया कि आज नहीं तोड़ेंगे और आज संडे रहता है तो जो सैंपल के लिए कंपनी की तरफ से जो व्यक्ति भेजा गया है प्राइवेट वो नहीं भेजा वो यहाँ पे सैंपल नहीं लिए गए अच्छा वो नहीं आया इस संबंध में मुंशी जी का क्या कहना है उन्होंने ही संपर्क साधा था एडीएम साहब ने भी दादा इस संबंध में मुंशी जी का क्या कहना है मुंशी जी का यही कहना है कि सैंपल चेक नहीं होंगे जब तक हम कुल तुलावर नहीं करेंगे आराम से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया है नाबालिग बच्ची का अपहरण करता हम आपको बता दें कि विगत 3 तारीख को बूढ़े वाले जी क्षेत्र से एक नाबालिग बच्ची का अपहरण आरोपी संदीप नागर ने कर लिया था जिस बात की सूचना लड़की के परिवारजनों ने शहर की सिटी कोतवाली में जाकर दर्ज कराई आखिरकार पुलिस की सजगता से आरोपी संदीप नागर को खोजकर उसको हिरासत में ले लिया गया है लेकिन बाद में पुलिस को मालूम पड़ा कि आरोपी संदीप नागर ने उस नाबालिग लड़की के साथ शादी कर ली है पुलिस ने फिलहाल आरोपी संदीप के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है सिटी कोतवाली TI विवेक अस्थाना ने बताया कि अभी लड़की का मेडिकल टेस्ट कराना बाकी है जिसके आधार पर लड़के के खिलाफ अन्य धाराएं भी बढ़ाई जा सकती हैं तो
सर बताएं अभी जो नाबालिग लड़की वाला जो मामला आया है, क्या मामला है? ये दोनों ही एक ही समाज के हैं, लड़का लड़की, और एक लड़का एक लड़की को शादी का कर गया कि शादी करूंगा बहाना करके उसको ले गया था। इस संबंध में लड़की के परिवारजन की तरफ से गुमशुदगी कायम करी थी, लड़की नाबालिग है, उसके घूमने पर से गुमशुदगी पंजीबद्ध की गई थी, जांच में लिया गया था और जांच से जो पाया गया कि बच्ची नाबालिग ही है, इसलिए इसमें तत्काल अपहरण का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और लड़की को बरामद कर लिया है पुलिस ने, उसका मेडिकल परीक्षण और कथन लिए जा रहे हैं, उसके बयानों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर जैसा कि सुनने में आया है कि लड़की लड़के के पक्ष में जा रही है कि लड़के के, नाबालिग बच्ची है उसके परिवारजन जो परिवारजन बोलेंगे महत्वपूर्ण वो बात आएगी, क्योंकि और भी जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलेगा कार्रवाई करी जाएगी। आज जनसुनवाई में आवेदक गोपालपुरा तालाब के गहरीकरण की मांग को लेकर पहुंचे। आवेदक का कहना है कि पिछली बार वर्षा हो जाने के कारण उसका गहरीकरण नहीं हो पाया था, अतः इस बार गोपालपुरा तालाब का गहरीकरण कराया जाए जिससे कि पानी की समस्या न हो। गोपालपुरा तालाब में पूर्व उसका गहरीकरण हुआ था, अब आपकी उसका गहरीकरण नहीं हो पाया, पहले बारिश हो जाने के कारण गहरीकरण बंद हो गया था, अभी तक नहीं हुआ, इसलिए कलेक्टर साहब को आवेदन देने आए थे कि वो गहरीकरण दोबारा चालू हो। अभी अंदर आपने आवेदन दिया तो क्या आश्वासन दिए? कलेक्टर साहब ने उनका अधिकारी आ रहे हैं, अधिकारी को बुला दिया था कि हमने उनके दे दो करेंगे समस्या का। मकसूदनगढ़ के गुना रोड पर रहने वाले गुप्ता परिवार के मकान को खाली कराने के लिए कोर्ट से आदेश लेकर आए नाजिर ने हर तरह के हथकंडे अपनाए और जबरन मकान खाली कराने की कोशिश भी की। इस बीच गुप्ता परिवार के लोग बार बार कह रहे थे कि कोर्ट से आदेश जो आया है वह 72 नंबर के मकान का है, हमारा मकान नंबर तो 71 है, पर नाजिर ने गुप्ता परिवार की एक नहीं सुनी। इस बीच एक और मकान मालिक सामने आया जो ये कहने लगा कि ये मकान उसका है जो 20-25 साल से उन्होंने किराए पर दे रखा है, पर मेरे पास मकान के दस्तावेज भी मौजूद हैं जो मैंने नाजिर को दिखाए हैं, पर कोर्ट से आए नाजिर ने इनकी भी एक न सुनी और मकान के गेट को कोर्ट से आए नाजिर ने तोड़ने लगा। इस बीच घर में मौजूद महिलाओं ने घर के गेट पर तेल डालकर आग लगा दी और आत्महत्या करने की कोशिश भी करने लगी, जिसको देखकर कोर्ट से आए नाजिर के होश उड़ गए। घर की महिलाओं को जब पुलिस ने समझाया तब जाकर मामला शांत हुआ और पुलिस ने आग को बुझाया, ये देखकर कोर्ट से आए नाजिर उल्टे पांव वापस भाग गया। इस बीच मीडिया ने कोर्ट से आए नाजिर से बात करना चाहा तो नाजिर ने कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया और आदेश के बारे में भी मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी। ये गेट में लग रही है, जल्दी बुझाओ, जल्दी जल्दी बुझाओ, जल्दी लाओ, जल्दी, ये देखो आग लग गई, आग लगा दी दुकान में, पानी डाल दो, पानी डालो रे, जल्दी कर दो यार, पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो, पानी अरे बुझा तो सको आप सब लोग, अरे तुम बुझवा दो ना सर, क्यों नहीं बात कर रहे उनसे? आप तो पुलिस वाले हो, आप 72 नंबर की जगह 71 क्यों खाली करवा रहे हो? हैं? आप तो कानून के रक्षक हो, जनता के रक्षक हो, हैं? कानून के रक्षक हो, मेरे माँ बाप के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो मेरे माँ बाप के साथ इतना बड़ा अन्याय? हैं? क्यों कर रहे हो? क्या नाम? मेरा नाम पप्पू मीना। तो ये मकान का ये मामला चल रहा है, ये क्या है पूरा मामला? ये क्या, हमने निकान किराए से दिया था, कितने नंबर का है? 171 नंबर का। हाँ तो फिर क्या हुआ? अब जो किराए से दिया था 20-22 साल है, 20-22 साल में अब जिनने कुछ पैसे में से लिए होंगे ये अपने मालूम नहीं है। हाँ। अब जो पैसे वाले इनसे मकान खाली करवा रहे हैं, मकान तो अपना ही है 171 में। अच्छा। लेकिन अपना मकान अपन खाली थोड़ी कर देंगे, और उनका है 172 में, बेतन में जा नहीं रहा, जीवार मकान के ऊपर दबाव डाल रहे, हम तो जीवार मकान लेंगे, लेकिन ये तो मेरे नाम पे है ना, मेरे पास कॉपी है, इसकी सबूत है पूरे। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट।
डीजियाना न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।